वेरी सैड टू से, बट हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लेम रिजेक्शन का नहीं होता, बल्कि क्लेम पार्शियली रिजेक्ट होने का होता है। कंपनीज को पता है कि अगर इसका सारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो ये पक्का कंप्लेन करेगा, लड़ाई करने पे आ जाएगा। बट इसको अगर हमने ढंग से कुछ कंडीशंस गिनवा के आधा क्लेम पास कर दिया तो ये परेशान जरूर होगा, बट इसको ये जरूर लगेगा कि शायद इसी ने ढंग से कंडीशंस पढ़े बिना ये पॉलिसी ले ली होगी, इसीलिए अब इसको ये 2-4 लाख रुपए का पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड अभय के साथ कुछ ऐसा हुआ। उनके फादर 1 महीने से ज्यादा एडमिट थे, 19.5 लाख रुपए का बिल बना था। इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े कन्वीनियंटली इस बिल का 75% अमाउंट अदर्स कैटेगरी में डाल के 10 लाख रुपए का क्लेम रोक लिया। सोचने वाली बात यह है कि कौन से बिल का 75% एक्सपेंस अदर्स कैटेगरी में जाता है, जबकि हॉस्पिटल बिल में भी ये एक्सपेंस अदर्स में नहीं लिखा था। और ये चीज को पकड़ने के लिए थोड़ी सी हमने भी उनकी हेल्प करी, अल्टीमेटली क्लेम पास हुआ। इंडिया में 90% लोगों के क्लेम्स पार्शियली रिजेक्ट हो जाते हैं और लोगों को पकड़ में नहीं आता है कि किस बेसिस पर ये हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पिन कमेंट में देखो, आपको इंश्योरेंस समाधान का एक लिंक दिया है, उस पर जाइए, एक फॉर्म भर दीजिए, उनकी टीम आपकी पॉलिसी और कंपनी के आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करके आपका केस सॉल्व करवाएगी, आपको पूरा पैसा दिलवाएगी। लेट्स बी मोर जागरूक।